तुला राशि वालों, 7 मार्च बृहस्पति बार का दिन आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत, क्योंकि आज बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। बुध का राशि परिवर्तन आपके भाग्य को प्रभावित करेगा और शुक्र का राशि परिवर्तन आपके सुख और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न का स्वामी है और बुध आपके भाग्य का स्वामी है। इस समय आपकी कुंडली के सुख भाव में मंगल, शुक्र और चंद्रमा का गोचर हो रहा है। वहीं आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि, सूर्य, बुध की युक्ति है। आज बुध का राशि परिवर्तन सबसे पहले सुबह 9:21 पर होगा। उस समय बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव से निकलकर राहु के साथ युक्ति करेंगे। समय अचानक आपकी जीवन का बदलेगा। जब भी बुध राहु के साथ गोचर करता है, जीवन बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरने लगता है, जो आपके लिए बेहतर भी होगा, जो आपके लिए शुभ भी होगा, जो आपके सौभाग्य को भी बढ़ाएगा और जिससे आपके जीवन में अचानक शुभ फलदायक योग भी बनेगा। दूसरा परिवर्तन आज सुबह 10:33 पर होगा, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव से निकलकर आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेगा। उस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति होगा। जब भी शुक्र शनि के साथ गोचर करता है, जीवन में आनंद उत्साह में बदल जाता है और मंगल का चंद्रमा के साथ सुख भाव में गोचर करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि मंगल आपका धनेश है और चंद्रमा कर्मेश है, यानी कर्म का स्वामी चंद्रमा है और धन का स्वामी मंगल है। कर्म से धन आने का संकेत दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों, दिन आपके लिए बड़े परिवर्तन से लाभ और तरक्की देने वाला और जीवन में नई उपलब्धि का संयोग बना रहा है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 7 मार्च बृहस्पतिवार का दिन, फागुन माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव से दिन की शुरुआत बढ़ियान योग में होगा। 1:03 के बाद श्रवण नक्षत्र का उदय और आपकी कुंडली चंद्रमा और बुध के प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा। आज का दिन परिवर्तन का दिन है। आज का दिन जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त करने का दिन है, क्योंकि आज 2 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। पहला बुध का राशि परिवर्तन और उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन। इस समय बुध आपकी कुंडली में शनि और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। बुध 7 मार्च को सुबह 9:21 पर राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली में और भी ज्यादा शक्तिशाली योग बनाएगा। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ लेकर आएगा और शुक्र 7 मार्च को ही सुबह 10:33 पर आपकी कुंडली में शनि और सूर्य के साथ युक्ति करेंगे। उस दौरान शुक्र मंगल और चंद्रमा को छोड़कर शनि के साथ गोचर करने से आपकी किस्मत पलटेगी और आपके जीवन में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके स्थिति में बड़ा सुधार लेकर आएगा।
ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में लाभ, तरक्की, सौभाग्य और आपके कार्य की बाधा दूर होगी। धन संपत्ति में वृद्धि का योग बनेगा। प्रेम संबंध में मिठास बढ़ेगा। संतुष्टि की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, क्योंकि जब शुक्र आपकी कुंडली में शनि के साथ गोचर करेगा और बुध जब शनि को छोड़कर आपकी कुंडली में बृहस्पति से प्रभावित हो जाएगा, उस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ने लगेगा। धन की तंगी से छुटकारा मिलेगा। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल हो जाएंगे। नौकरी व्यापार में तरक्की का योग बनेगा। कार्य की सफलता से आत्मविश्वास आपके बढ़ेंगे और धन के आने से जीवन में खुशियां आएगी। समय आपके लिए परिवर्तन का है। समय आपके लिए तरक्की का है। ये समय जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको उत्साहित करेगा। आपके कार्य जब तेज गति से आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य की जब प्राप्ति होगी, जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तब आपके मन में आत्मविश्वास भी जागेगा और आपके मन में खुशी भी प्राप्त होगी। सफलता बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके प्रयास से आपके जीवन को बदलने का काम करेगा। अपने कार्य पर फोकस बनाकर रखें। हर काम को मेहनत से करें, आगे बढ़ते जाएंगे, कार्य सफल होता जाएगा। जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। साहस भी बढ़ेगा। संभावना भी आरंभ होगी। आपके लिए दिन बड़ा भाग्यशाली साबित होगा। यानी दिन आपके लिए बड़े लाभ लेकर आया है। धन भी बढ़ना, सुख भी मिलना, भाग्य का साथ है। यानी जीवन के अनेक क्षेत्र में आप भाग्यशाली बनेंगे। आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य आप पूरे होंगे। शुभ काम का सामर्थ्य बढ़ेगा और नई शुरुआत आपकी जीवन में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रहों की दशा है, आपके लिए लाभ सौभाग्य का अवसर देने वाला है। आपकी कुंडली में शनि के साथ बुध और सूर्य की युक्ति, आपकी कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा का गोचर, बेहतर स्थिति और परिस्थिति, राहु का बुध के साथ गोचर करना, निश्चित ही आपकी जीवन में उम्मीद से ज्यादा लाभ लेकर आएगा। समय आपकी स्थिति को बदलने वाला, समय आपके लिए सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला, उमंग उत्साह और जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला बेहतर समय साबित होगा। जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा। महत्वाकांक्षा आपकी जागेगी। धन दौलत में अपार वृद्धि और धीरे धीरे आपकी जीवन में तरक्की भी आरंभ हो जाएगी। कुल परंपरा मर्यादा का मान रखने वाला, कार्य कुशलता से जीवन में उन्नति तरक्की करने वाला, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने इच्छा शक्ति को संतुष्टि देने वाला, आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे। किस्मत आपका अच्छा है। गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। समय आपके लिए बेहतर लाभ के अवसर लेकर आएगा और राहु आपके जीवन में अचानक ही कोई बड़ा सरप्राइज देगा। तो दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली साबित होगा। परिवर्तन के साथ साथ तरक्की उन्नति आपके मन में एक विश्वास पैदा करेगा, जो आगे जाकर आपके जीवन में वैभव और खुशहाली लेकर आएगा। ये समय आपके लिए लाभ, तरक्की, सुख समृद्धि के साथ क्षमता, नेतृत्व की शक्ति भी देगा और आपके लिए शत्रु को नाश करने वाला शक्ति भी प्रदान करेगा। अधिकार क्षेत्र में तरक्की से आपके कष्टों का अंत होगा और आपके जीवन में आपकी प्रबल इच्छा शक्ति
अद्भुत काम करने की क्षमता आपके स्वाभिमान को भी बढ़ाएगा और आपके अधूरे काम को भी पूरा करेगा। तो आपके लिए समय सौभाग्य का है, धन संपत्ति लाभ का है, खुशी सुख को बढ़ाने वाला लाभकारी दिन साबित होने वाला है। राहु काल 2:01 से 3:29 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा और लक्की नंबर 7 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से दिन की शुरुआत होगी और अमृत काल सुबह 7:08 से 8:37 का समय जीवन में एक नई शुरुआत और उम्मीद से ज्यादा उत्साह को बढ़ाने वाला साबित होगा। अभिजीत मुहूर्त 2:12 से और विजय मुहूर्त 2:30 से आपके लिए जीवन में अनेकों शुभ काम का सामर्थ्य प्रदान करने वाला बेहतर संयोग बनने वाला है। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके कार्य भी सफल होंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, धन संपत्ति भी आप कमाएंगे और भाग्यशाली भी आप होंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।